नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। बिजली निगम के कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में, सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं 30 अक्टूबर को बिजली कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर। सरकार के द्वारा 19 सब डिवीजन ठेके पर दिए जाने का कर रहे हैं विरोध। वहीं नई पदों का सृजन, स्थायी भर्ती करना, पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करना मांगों को लेकर के कर रहे हैं प्रदर्शन। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये खास रिपोर्ट। सरकार की वादा खिलाफी और अपनी मांगों को लेकर के आज अपने रोष प्रदर्शन के तीसरे चरण में बिजली कर्मचारियों ने सिरसा के बिजली घर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी मांगों का मांग पत्र सिरसा उपायुक्त को सौंपा। कर्मचारी नेता विजय पाल ने बताया कि अगर सरकार फिर भी मांगे नहीं मानती है और किसी प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं करती है तो 30 अक्टूबर को प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं HSEB वर्कर यूनियन के प्रेस सचिव विजय पाल जाखड़ ने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि सरकार के द्वारा 19 सब डिवीजन ठेके पर दिया गया है जो कि समाप्त किया जाए, रिस्ट्रक्चरिंग करके वर्तमान वर्कलोड के अनुसार नए पदों पर सृजन कर उनके रिक्त पदों की पदोन्नति व स्थायी भर्ती करना, उसी के साथ साथ पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करके 1/1/2006 के बाद में लगे कर्मचारियों को शामिल करना, सभी कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारी, बिजली कर्मचारियों के आश्रितों पर सभी प्रकार के बीमारियों के लिए सीमा रहित कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करना जैसे अनेक मांगों को लेकर के 9 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि सरकार फिर भी नहीं मानती है तो और किसी प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं करती है तो 23 अक्टूबर को बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है और उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो 30 अक्टूबर को प्रदेश का बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेगा। सरकार की हठधर्मिता जारी रहती है तो इस हड़ताल को अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। विजयपाल जाखड़, प्रेस सचिव HSEB वर्कर यूनियन। आज प्रदेश भर में तीसरे चरण में HSEB वर्कर यूनियन के द्वारा दिए गए आंदोलन के कड़ी के अंदर प्रदेश के सभी DCs को जो है ज्ञापन दिए जाएंगे, चाहे उसमें सर्कल हो तो सर्कल लेवल पर है, यदि यूनिट है जिस तरह दादरी के अंदर हमारा सर्कल नहीं है बिजली बोर्ड का, वहाँ दादरी यूनिट अपना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देगी। मैं आपके माध्यम से केवल मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार ने जिस प्रकार से हमने नोटिस दिया था उसके पश्चात लगातार हठधर्मिता को अपनाए हुए है, ना बातचीत के माध्यम से किसी प्रकार का कोई न्योता है, चाहे उसमें डिमांडों के अंदर लिया जाए, बहुत सी डिमांड ऐसी हैं जिसकी सरकार को खुद को आवश्यकता है, रिस्ट्रक्चरिंग करके कर्मचारियों की आवश्यकता सरकार को भी है, हमारा मात्र प्रदेश के विकास में इतने हित है, चाहे पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने की बात है इसमें सरकार का कुछ नहीं लगना, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं लगना, लेकिन सरकार जो है मात्र अपनी हठधर्मिता को लेकर के केवल मात्र कर्मचारी की बात को सुनना नहीं चाहती, प्रदेश में बिजली कर्मचारी में जो रोष है उसको प्रदर्शित करने के लिए आज के बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो 23 तारीख को हम ACS पावर शक्ति भवन पंचकुला के सामने प्रदर्शन करते हुए अंतिम चेतावनी देंगे और उसके पश्चात 30 तारीख को जो प्रदेश के अंदर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल होगी, सरकार यदि तार पीड़ो करने का प्रयास करेगी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हो जाएगी।